सोमती अमावस्या हमारे जीवन को फलित करने वाली, सुख देने वाली, आनंद देने वाली, हम उसका लाभ अवश्य लें। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है या कोई विद्या के लिए किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम में बैठ रहे हैं और बच्चे उस एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं या निकल नहीं पा रहे हैं, या कोई टीचिंग के लिए, बैंकिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, निवेदन है, सोमती अमावस्या कल पड़ रही है, दो स्वस्तिक आपको बनाना है। कितने स्वस्तिक बनाना है? दो स्वस्तिक। एक स्वस्तिक कुंकू का पीपल के पेड़ पर बनाना है आपको। पीपल के पेड़ पर बनाने के बाद में जमीन पर, भूमि पर एक घी का दिया लगाना है। दूसरा स्वस्तिक शंकर के मंदिर की चौखट पर आपको बनाना है, किसी भी एक साइड में, चाहे राइट में बनाने चाहे लेफ्ट में बनाने। शंकर के मंदिर पर जो स्वस्तिक बनाओगे वो पहले पीपल के वृक्ष के बनाना है। पीपल के वृक्ष के बनाने के बाद में शंकर के मंदिर में शाम के समय आप जाकर स्वस्तिक बना सकते हैं। दोपहर से लेकर शाम तक कभी भी स्वस्तिक बनाएं और एक घी का दिया वहां रखता है। बस इतना याद रखना, पीपल के पेड़ के नीचे जो स्वस्तिक बनाओगे वहां जो घी का दिया लगेगा उसमें गोल बत्ती लगेगी, फूल बत्ती लगेगी। शिव मंदिर की चौखट पर जो दिया लगाओगे उसमें दो बत्ती लगेगी, लंबी वाली, लंबी बत्ती दो लगेगी घी की। वो बत्ती आपको शंकर के मंदिर पे दिया कहां रखना है, जहां स्वस्तिक बनाओगे उसी के ऊपर दो बत्ती का दिया लगाओगे। उस समय पर दिए का जो बत्ती है उसका मुख अपनी ओर होना चाहिए और भगवान शंकर की चौखट पर प्रणाम कर निवेदन कर नमन कर आप आइए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज की कोचिंग कर रहे हो, जिस चीज में उतरना चाहते हो, आपको वह फल प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।